तुम्हारे घर में जो चोरी हुई उसके बारे में तो पता ही है, और ये भी पता होगा कि हमने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की थी। आगे क्या लिखूं डैडी? आगे लिखो हमने पुलिस कंप्लेंट वापस ली। बट उस सेंटेंस के आगे लेकिन लगाओ, लेकिन हमने वो पुलिस कंप्लेंट वापस ली। हाँ। आगे लिखो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता चला है कि जिन्होंने चोरी की है वो उनके खिलाफ जाने वालों से बदला लेते हैं। हाँ। और हमारे घर में जो नुकसान हुआ है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम इतना बड़ा रिस्क लें, इसीलिए हमने पुलिस कंप्लेंट वापस ली। और एंड में जरूर लिख रहा कि आपकी सपोर्ट के लिए धन्यवाद, अब मैं मेरे ये थ्रेड क्लोज कर रही हूँ, लव यू ऑल सखी। ये ऐसा लिखने की क्या जरूरत है डैडी? ये सब चीजें लिखने की जरूरत है, ये सब लिखने से ना पोस्ट बहुत जेन्युइन लगता है, और हमें सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म करना होता है कि मैं ये मेरा इशू क्लोज कर रही हूँ या क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, ओहो, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। और क्या क्या करना होता है सोशल मीडिया पे? जैसे एक मिनट, ठीक है, पोस्ट इट। वी, ये देखो ना वो बेवकूफ सखी वागले ने क्या पोस्ट डाला है। आई न्यू इट डूड, आई न्यू इट। ये जो मिडिल क्लास होते हैं ना, ये बहुत ही फट्टू होते हैं, जरा जरा सी बात पर डर जाते हैं, और इनको अपनी जान का डर सबसे ज्यादा होता है, और इसी वजह से इनके डर का फायदा उठा उठा कर हम लोग आज तक पकड़े नहीं गए और कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। यस डूड, नाउ गेट बैक टू वर्क, ये सब माल बिंदास सेल करके आओ, रोकड़ा करो रोकड़ा, और हाँ सेठ को बोलना 100-100 का नोट दे वे। क्या 100-100 का नोट? चलो सैबी और टीवी तुम ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों सेल करके आओ। एवी तो ये मंगलसूत्र और इयररिंग्स सेल करके आओ, चलो कम ऑन। ओके वी। या ओके वी। अभी तक फोन क्यों नहीं आया इंस्पेक्टर का? क्या लोन लेके धमकी देता हूँ? मोर तगड़े थे मतलब? नहीं नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब ने तो कहा था ना कि 2 घंटे में फोन करके खुशखबरी देता हूँ कि चोर पकड़े गए। हाँ चोर पकड़े गए, मोर तगड़े हो। सॉरी, आ गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, चोर पकड़े गए। आप क्यों कर रहे हैं? हाँ? दासानी बोलो, कब? 1-2 दिन में। तेजवानी साहब ने कहा है ना? हाँ ठीक है। क्या हुआ? तेजवानी साहब की बेटी कियारा तेजवानी, शी इज कमिंग टू टेक ओवर, तो मैनेजमेंट लेवल पे अर्जेंट चेंजेस करने, तो वो है हमारी नई बॉस। नई बॉस? कुछ अर्जेंट स्लाइड्स मेल करने हैं, और सारे स्लाइड्स मेरे लैपटॉप पर है, और लैपटॉप चोरी हो गया है, तो पहले दिन बॉस के सामने मेरा जो इंप्रेशन है वो इस चोर ने सब गड़बड़ कर दी, एक बार हाथ में आए ना। दासानी तुम चोर चोर का किस्सा सुनाती हूँ। तो क्या हुआ ना, वो 12 लाख का डायमंड नेकलेस लेके हम जैसे ही पार्किंग लॉट में पहुँचे, एक चोर आया और मेरी 1.25 लाख की पर्स में से हर्षद का माउथ फ्रेश चुरा के भागने लगा। एक किलोमीटर, 1 किलोमीटर भागा चोर के पीछे। अच्छा भागा, भागा। फिर जैसे ही चोर पकड़ा गया ना, तो हर्षद ने उसे दे दे धोया, इतना धोया कि उसे उसकी नानी याद आ गई। हाँ बॉडी देखिए, बॉडी वेरी कूल अंकल, नेक्स्ट जेन नेक्स्ट जेन। कंकू अक्का कंकू, थैंक यू अथर्व, थैंक यू। हाँ पर आपको अबूल के एक्शन किस्सा बताऊँगा। एक्शन वैक्सीन के? आप अपना कोई बहादुरी का डैशिंग किस्सा बताइए ना, डैशिंग वाला। डैशिंग? मेरा, अरे मेरा कोई डैशिंग या डेयरिंग वाला किस्सा नहीं है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जरूरी थोड़ी है कि हाथ आए हुए चोर को पीटना ही चाहिए। अरे क्या राजेश भाई, मारपीट की बात आती है ना,
तब ज्ञान देना शुरू कर देते हो। राजेश भाई एक बात बताइए, आपने कभी किसी को मारा भी है? क्यों मारना है किसी को? राज और मारपीट। चलिए मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। तो आज से कुछ साल पहले हमारे कोर्टशिप के दौरान राज मुझे जुहू चौपाटी लेकर गए थे। क्या हुआ? अरे रोमांटिक किस्सा सुना है क्या अभी अर्शद? हाँ वो सब ठीक है, आगे बोलिए ना। तो आगे ऐसा हुआ दक्कू भाई कि राज मेरे लिए भेलपुरी लेने के लिए गए और मैं अकेली बैठी हुई थी, तभी एक मवाली आकर मुझे छेड़ने लगा। ओह माय गॉड। हाँ तो डैडी ने जरूर उसको पीटा होगा ना, है ना? डैडी ने उसे पीटा नहीं बेटा, बल्कि डैडी ने उसे समझाया बड़े प्यार से कि देखिए भाई साहब, इनसे मेरी शादी होने वाली है, आप प्लीज कहीं और जाकर ट्राई करें। और तो और मेरे लिए जो भेलपुरी लाए थे वो भी उनको, सॉरी वो भी उस मवाली को गिफ्ट के तौर पे दे दी। उसको भी लेक्चर दिया? नहीं नहीं लेक्चर, अरे नहीं, सबसे पहली बात तो वो मवाली नहीं था। अच्छा। अकेली बेचारी अबला नारी बैठी थी तो उसे छेड़ा। अच्छा जब मैंने भेलपुरी दी तो चुपचाप चला गया कि नहीं? चला गया कि नहीं? So that's the way to deal. राजेश भाई आप है ना फट्टू हो, फट्टू एक नंबर के फट्टू। क्या राजेश भाई आप तो कभी मच्छर भी नहीं मार सकते। डैडी आपको अर्शद अंकल और डक्कू अंकल की तरह चोर की पिटाई करनी चाहिए थी। जकी, जकी। अरे, 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 क्या करता है? यस, मैं तो दे 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 दे, मैं तो दे दे दे। अरे, अरे, मैं तो दे, मैं तो, अबे, क्या, तू, धक्का क्या मारा बे? क्या कर लेगा तू? तू ऐसे लगा के दूंगा? मैं मेरे पापा को बुला लूँगा। अथर, तू भी अपने पापा को बुला। बुला? बुला मैं किसी से नहीं डरता, मेरे पापा स्ट्रॉन्गेस्ट है। पता है जाकी मेरे पापा बोलते हैं कि अथर के पापा एकदम फट्टू है, उसके पापा से मक्खी भी नहीं मारी जाती। चुप तू का बेटा फट्टू, चुप चुप चल, फट्टू 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 का बेटा फट्टू। अथर तू तो बोल रहा था कि रिसोर्ट में जाकर विद्युत तेरा बेस्टफ्रेंड बन गया, ये क्या उसने तुझे फट्टू बोला? राजेश भाई आप एक नंबर के फट्टू हो, फट्टू। राजेश भाई आप तो कभी मच्छर भी नहीं मार सकते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।